नमस्कार, मैं सोनिया शर्मा, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। जनपद गाजियाबाद से बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन क्रांति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ईस्टर्न पेरिफेरल टोल पर विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। भारतीय क्रांति के प्रदेश अध्यक्ष परविंदर यादव के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर किसान नेता और नेता के इंचार्ज हुए तीखी नोकझोंक। किसान नेता का आरोप है कि ईस्टर्न पेरिफेरल को बने हुए काफी समय होगा, लेकिन अब तक कोई सर्विस रोड NHI की तरफ से नहीं बनाई गई और किसी लोकल ID पर भी क्षेत्रीय लोगों को टोल से नहीं निकालने दिया जाता है। आए दिन टोल पर बदतमीजी की जाती है, जिससे यहाँ के क्षेत्रीय लोग काफी परेशान हैं। किसान नेता का कहना है कि आज योगी आदित्यनाथ जी का शपथ ग्रहण नहीं होता तो NHI विभाग के बगैर किसी को नहीं सौंपते ज्ञापन, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होने की वजह से हमने ज्ञापन SHO को सौंपा है। सैकड़ों किसानों के मौके पर पहुंचे प्रशासन को ज्ञापन देकर समाप्त किया। आज ये आपने टोल पर प्रदर्शन किया है, क्या कारण है, क्या वजह है, क्या मांग है? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में और किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए आए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल समस्या क्या है कि काफ़ी समय से चली आ रही है, जब से ईस्टर्न पेरिफेरल जनपद गाजियाबाद में बना है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 20 किलोमीटर का चक्कर घूम करके किसानों को आना पड़ रहा है। एक लोकल ID के आधार पर जो यहाँ से किसानों की व्हीकल निकलने चाहिए, यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली मोटरसाइकिल या उनकी कार निकलनी चाहिए, तो वो यहाँ से नहीं निकल पा रही है। और उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं यहाँ के जो किसानों को दबाने का कुचलने का काम ये टोल कर्मचारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ में यहाँ पर एक सर्विस रोड होना चाहिए, जिस सर्विस रोड से यहाँ का किसान जो यहाँ काम करने वाला व्यक्ति है, जो खेत में जा रहा है अपने या खेत या शहर से गांव की तरफ में जा रहा है, वो आसानी से शांतिपूर्ण तरीके से अपने आप को इस ट्रैफिक से अलग रखते हुए, और चाहे उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली है या उसकी बुक या कुछ भी है, उसको लेकर के वो शांतिपूर्ण तरीके से जा सके। अभी यहाँ पर आपकी टोल कर्मियों से बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई, क्या बताया उन्होंने, क्या वार्ता हुई आपकी? अभी टोल कर्मचारियों से हमारी वार्ता हुई है। टोल कर्मचारियों ने दरअसल क्या करा है कि यहाँ प्रशासन को गुमराह करने का काम जो टोल इंचार्ज ने किया है, अब से पूर्व हमने उनसे पूछा, हमने बोला कि भाई NHI के लोगों से मिलना चाहते हैं। ये जो प्रदर्शन हो रहा है किस यूनियन के माध्यम से हो रहा है? ये प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन क्रांति के नेतृत्व में हो रहा है और यहाँ पर जो किसान आए हैं वो भारतीय किसान क्रांति के नेतृत्व में आए हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि भाई हमारे लिए यहाँ पर टोल पर जो टोल पर कोई आना चाहता है, यहाँ सर्विस रोड की व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि यहाँ पर जो भोले वाले जो किसान हैं आए दिन जो बड़ी बड़ी गाड़ियों का जो एक्सीडेंट का जो शिकार हो रहे हैं वो शिकार ना हो और कंटिन्यू जो है वो एक सर्विस रोड की व्यवस्था अगर सरकार कर देती है तो यहाँ पर कई लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। जी, ज्ञापन देने की बात कही गई है, ज्ञापन में क्या क्या मांगे हैं, ज्ञापन किनको सौंपने की बात कही गई है? ज्ञापन जो है हम NHI के लोगों को सौंपना चाहते हैं और ज्ञापन में हमारे साफ तौर पर ये मांगे हैं। क्या क्या मांगे हैं आप? इसमें साफ तौर पर हमने ये मांगा कि पेरिफेरल पे जो है काफी समय से लंबे समय से सर्विस रोड के लिए जो हम मांग उठाते चले आ रहे हैं, इसमें सर्विस रोड की व्यवस्था हो, जिससे कि लोकल व्यक्ति को यहाँ पर व्यवस्था उसकी खराब ना हो, लोकल व्यवस्था दिक्कत ना हो और लोकल को आराम से निकलता रहे, और उसके साथ साथ में यहाँ पर जो टोल है टोल भी बाधित ना हो, यहाँ का ट्रैफिक बाधित ना हो और यहाँ का जो किसान है वो भोला वाला किसान अपने घर जा सके आसानी। जानकारी यह भी मिली कि देर रात्रि में आपकी कुछ टोल कर्मियों से बातचीत भी हुई थी इस बात को लेकर, क्या निर्णय रहा रात में और आपके लिए प्रदर्शन करने की नौबत आखिर क्यों मिली? जैसा प्रदर्शन करने की नौबत बार बार इसलिए चली आ रही है कि ये सर्विस रोड तो बना नहीं रहे, उसके साथ साथ में जो टोल कर्मचारी हैं, टोल कर्मचारी यहाँ तक किसान से बदतमीजी करते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं, उसे गालियाँ देते हैं और यहाँ तक कि इतने सारे किसान यहाँ पर आए हैं उनसे यहाँ तक कहते हैं कि आपने रोड बंद कर रखा है, जबकि सच्चाई ये है कि आपने भी देखा होगा यहाँ पर आपकी जब मौजूद थे कि यहाँ पर इन्होंने जो है खुद बूथ बंद करा और हमसे कहा यहाँ बैठ जाइए और अब प्रशासन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आपकी जो मांगे हैं, अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे के लिए आपकी यूनियन किस रुख के लिए अपनाएगी? हम जो है अभी हाल फिलहाल में NHI भारत सरकार को ये ज्ञापन देंगे, उसके उपरांत में अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम यहाँ निरंतर धरना करेंगे। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती